अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू फैक्ट्स एक्सप्रेस। दोस्तों, खाना हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार रखता है। जैसे हमें हवा और पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें खाने की भी ज़रूरत होती है। दुनिया में कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाला हूँ जिसको खाने की खुशबू से भी खौफ आ जाता है। दोस्तों, ये 12 साल का बरतानवी बच्चा जिसका नाम एस्टन फिशर है, ये बहुत ही एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार है जिसके बायस वो खाने से खौफजदा रहता है और वो सिर्फ फ्लेवर्ड योगर्ट और ब्रेड खा के अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एस्टन की ये कैफियत पिछले 10 सालों से जू की तू बरकरार है, जिससे ना सिर्फ इसके वालिदैन और इसके टीचर बल्कि इसके दोस्तों को भी परेशान किया हुआ है। दोस्तों, शुरू शुरू में एडसन के पेरेंट्स समझते थे कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह खाने में नखरे दिखा रहा है, लेकिन तहां कोशिशों के बावजूद एडसन की हालत बेहतर होने के बजाय खराब होती गई। एडसन के पेरेंट्स इलाज के लिए एडसन को हमेशा आम डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे और वो डॉक्टर्स इसका मसला समझ ही नहीं सके और इसकी हालत यूं की जूं बरकरार रही। दोस्तों, वक्त के साथ साथ नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि इस बच्चे को खाने पीने की खुशबू से भी खौफ आने लगा, जिसकी वजह से इस बच्चे ने अपने घर वालों के साथ खाना पीना छोड़ दिया और ये सबसे अलग थलग रहने लगा। ये सिर्फ फ्लेवर्ड योगर्ट और ब्रेड खाके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वक्त के साथ साथ इस बच्चे का दाखला स्कूल में भी हो गया, लेकिन दाखले के बाद भी इस बच्चे का रूटीन यूं ही बरकरार रहा। ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ कुछ भी नहीं खा सकता था, जिसका नतीजा ये निकला कि इस बच्चे के स्कूल में ज्यादा दोस्त भी नहीं बन सके। दोस्तों, एस्टन की बीमारी का इंकशाफ गुज़िश्ता माह इस वक्त हुआ जब ग़िज़ाई मिसाइल के माहिर ने इस बच्चे का बार बार मुआयना किया। वो थोड़ी ही देर में समझ गए थे कि ये बच्चा एक ऐसे नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है जिससे शिकार फर्द चंद स्पेशल चीज़ें ही खा सकते हैं। दोस्तों, इस नफ्सियाती बीमारी को फूड फोबिया की एक किस्म कहते हैं। मसले के आम होते ही मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते हुए एस्टन फिशर का इलाज शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इसकी तबीयत बेहतर होती रही और वो आहिस्ता आहिस्ता सैंडविच, चिप्स, चिकन वगैरह भी कम मकदार में खाने लगा और अपनी ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक आने लग गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।